क्राइटेरिया हमने पूरा डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। यस मैम। द लास्ट टॉपिक विच वी डिस्कस्ड इन टू क्लासेस दैट वॉज रिलेटेड टू क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें बेसिकली हमने तीन पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया था कि कैसे आप चूज करेंगे उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से माइक्रो कंट्रोलर को, उसमें क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था, जो सेकेंड पॉइंट वो ये डिस्कस किया था कि उससे रिलेटेड असेंबलर या डीबगर्स, कंपाइलर्स, इमुलेटर, वो सपोर्ट आपको क्या मिल रही है, टेक्निकल सपोर्ट मौजूद है या नहीं है। क्वांटिटी से रिलेटेड हमने बात की थी कि कैसे हम इस चीज़ को भी कंसिड्रेशन में रखते हैं कि स्टॉक में है या नहीं है, तो फिर आप उसको ऑर्डर करें या जो है वो आप ऐसी, जैसे फ्रेंचाइज होती हैं, ऐसी आउटलेट से उसकी आईसी या कंपोनेंट्स को जो है वो परचेज करें। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको हम कंसिड्रेशन में रखते हैं जब भी हमें कोई, ना सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर बल्कि कोई भी हमें कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो परचेज करने होते हैं। तो कुछ में है कि आपको ऑनलाइन के अंदर पता चल जाता है जिन्होंने ऑनलाइन रखा हुआ होता है, वरना आप किसी शॉप से भी ले रहे हैं तो फिर आप उसके टेक्निकल सेंटर्स को भी सपोर्ट में रखते हैं कि लेट से कोई, जैसे थर्ड पार्टीज होती हैं, थर्ड पार्टीज का नाम या थर्ड पार्टी वेंडर्स, ऐसे ये नाम आपने काफ़ी सुने होंगे। इसका मतलब है कि जो आपको ये अरेंज करके देते हैं या मंगवा के देते हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पर नहीं है लेकिन वो आपको वहाँ से मंगवा के देंगे, जैसे सेल्स एंड ये प्रोडक्ट्स इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। तो आप ये देखते हैं कि लेट्स से कि कोई बड़ी कंपनी है लेकिन वो यूएसए में है और यहाँ पर कोई कंपनी है जो वहाँ से इम्पोर्ट करती है आईसीस को, और फिर उसके डिफरेंट सेंटर्स हैं, लेट्स से बड़ी सिटीज़ में हो गया, लेट्स से इस्लामाबाद, कराची में हो गया उसका सेंटर, लाहौर एक्सेट्रा, कोयटा वगैरह, लेकिन हैदराबाद में नहीं है। तो आपको मुश्किल होगी, चलो कराची फिर भी आपको नियर बाय पड़ता है, लेकिन अगर सिर्फ इस्लामाबाद में है सेंटर तो फिर आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रही कि आप हर डीबग करवाने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए चीज़ों को भेजेंगे इस्लामाबाद, फिर उसमें कितना टाइम लगेगा वहाँ से ठीक होके आने में। तो ये आपको कंसिडरेशन रखनी होती है कि टेक्निकल सपोर्ट आपको जो है वो कितनी मिल रही है। दूसरी बात ये है कि जब आप अवेलेबिलिटी को देखते हैं कि आईसीज या जो कंपोनेंट आप मंगवाना चाह रहे हैं वो मौजूद है या वो मौजूद नहीं है, उसके अलावा एक और चीज़ आपको देखनी होती है कि इसकी जो शिपमेंट है वो कितने अरसे में डिलीवर हो जाएगी। 1 महीने में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, हफ्ते के अंदर आ जाएगी, लेकिन अगर आपको वो 6 महीने तक उनकी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, या जैसे बाज़ वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि आउटसाइड द कंट्री उनकी शिपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दी है लेकिन आपका जो सामान है वो दुबई से या ट्रांजिट के थ्रू होके तो आ गया लेकिन अब वो यहाँ पर कस्टम के अंदर फंसा हुआ है। कस्टम के अंदर एक ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आप जाके जो है वो फाइनल ईयर के अंदर आएंगे, नेक्स्ट ईयर आपका जो है वो फाइनल ईयर है, तो ये सारे इश्यूज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर आपको डील करने पड़ रहे होते हैं, तो उसका टाइम या उसका मार्जिन जो है वो आपको रखना पड़ता है कि ये जो शिपमेंट है वो अगर कस्टम में फंसी हुई है, कस्टम में एक तो ये होता है कि आपको उसके चार्जेस देने होते हैं, गोदाम चार्जेस वगैरह, दूसरा ये होता है क्लियरेंस करवानी पड़ती है कि आप इसको रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर आपके कुछ जो चार्जेस हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। एनीवेज, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम आते हैं पर्टिकुलरली मूविंग टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक आईसी विच वी हैव टू डिस्कस, बट प्रायर टू डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर आईसी वी शुड नो दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमल कंपनी, बिकॉज वी हैव चूजन द एटमल कंपनी दैट इज वेरी वाइडली अवेलेबल, और उसकी आपने मिसाल ये देखी कि आपके पास जो आर्डिनो के बोर्ड्स हैं उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं वो एटमेल के ही लगे हुए हैं। इसके अंदर आपने देखा था कि यूनो के अंदर जो आईसी है वो ATmega 328P है, या जो मेगा के अंदर आईसी है वो ATmega 2560 है, तो ये ATE का जो लफ्ज़ के जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं दे इंडिकेट दैट दे बिलोंग टू द एटमेल कंपनी। सो हम यार माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे जो न्यू बोर्ड्स नज़र आते हैं या सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि आर्डिनो यूज़ हो रहा होता है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर की आईसी लगी हुई है वो एटमेल की लगी हुई है। आप चाहें तो आप आईसी को अलग से यूज़ कर सकते हैं, आपको महंगा बोर्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि आपकी
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्किल्स जो हैं वो फिर उस लिहाज से होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आप बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करके या लाइब्रेरीज यूज़ करके प्रोग्राम बना लेते हैं, अंदर आपको समझ कुछ नहीं आ रही होती कि ये हुआ क्या, कैसे ये मोटर को ड्राइव कर रहा है, कैसे इसने स्पीड कर दी इतनी, कैसे ये क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो हम इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन रहे हैं या तो उसमें आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों स्किल्स आ जाती हैं कि वो आपको आनी चाहिए। कोई आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो अगर आप बेयर लेवल आईसी पे जाके अगर वो समझ लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपने भी ट्रेनर बोर्ड्स बना सकते हैं, आप अपने भी सिमुलेटर्स बना सकते हैं। कल का जो कंपटीशन था ये डिक्लेमेशन वाला, उसमें आप लोगों ने अटेंड किया? वैसे तो मैं कल की अटेंडेंस वहाँ से देखूंगी कि कितने लोग जो हैं वो मौजूद थे। तो उसमें आपने उसकी जो टाइमर वाली एक GUI चल रही थी वो देखी थी स्क्रीन के ऊपर? यस यस मैम, यस मैम, मैम। तो वो जो GUI थी वो मैटलैब के अंदर बनी हुई थी और वो सरफोइद ने बनाई थी। तो अब इसमें जो है वो कोई, जैसे आपको सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप जो है वो इस तरह की स्किल्स आपको आ जाती हैं कि हाँ भाई कॉल बैक फंक्शन, सर ने जिक्र किया इसका, नो मैम, तो पॉइंट ये था मेरा कि अगर आप जो है वो चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ में जाके सीख लेते हैं तो फिर आपको किसी से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोडर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिफरेंट एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो खुद बना सकते हैं, या मोबाइल ऐप्स हैं जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का आइडिया है आपको क्या होता है? नो मैम, जब आप मोबाइल ऐप्स डिफरेंट डाउनलोड करते हैं, अगर आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं डिफरेंट ऐप्स जो इंस्टॉल कर रहे होते हैं आप मोबाइल के ऊपर? प्ले प्ले स्टोर मैम, प्ले स्टोर। स्टोर से करते हैं। और अगर आपका एप्पल बेस्ड फ़ोन है तो, आईफोन है तो फिर कहाँ से करते हैं? एप्पल स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर। स्टोर से करते हैं। और विंडोज़ के लिए जो है वो आपके पास अलग स्टोर होता है, ठीक है? तो अगर आपके पास जो है वो फ़ोन, लेट से मैंने बात कर ली कि तीन आपके पास जो है वो बड़ी कंपनीज हो गई, और उससे रिलेटेड कि ये आपस में कंपैटिबल नहीं है। कुछ ऐप्स होती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि अगर आपको जो है वो एंड्रॉयड का चाहिए इसका वर्जन, तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वरना जो है वो आपको आईफोन के लिए चाहिए तो आप एप्पल प्ले स्टोर से करें। तो हम इस तरह के भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं या इस तरह की भी ऐप्स बना सकते हैं जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन करें। मल्टीपल का मतलब वही ऐप आपकी एंड्रॉयड पे भी चल जाएगी, वही ऐप जो है वो आपकी एप्पल फोन के ऊपर, आईफोन के ऊपर भी चल जाएगी, और अगर आपका विंडोज बेस्ड फोन है तो आपकी ऐप वो उसके ऊपर भी चल जाएगी। इस चीज़ को कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म होना। इसी तरीके से जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर भी आ रहा होता है कि अगर आपका विंडोज बेस्ड है तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, और अगर आपका जो है वो मैक बेस्ड है, मैक नोटबुक है आपकी, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर, नाउ दैट मशीन कैन बी, आई कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ अ लैपटॉप और आई कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ अ मोबाइल फोन, ठीक। लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म जो जनरल टेक्निकल टर्म है उसका मतलब ये होता है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन हो सकती है। तो पॉइंट मेरा ये था कि आप अगर कोर पे जाके इस चीज़ को सीखते हैं तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपका ट्रेनर जो है वो आप यूज़ करेंगे तभी आप उसका सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ये सारे जो बने, आप जो मैंने आपको सिमुलेटर दिखाया था, सिमुलेटर 8085 का, तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, या इस तरह की जो है वो काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं जिसको यूज़ करके जो है वो आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट। ये हम देखेंगे, पहले आपको ज़रा फीचर समझ में आ जाए माइक्रो कंट्रोलर के, फिर मैं आपको डिफरेंट ऐप्स दिखाऊंगी इसकी, माइक्रो कंट्रोलर की, जहाँ से, जैसे ये कैलकुलेटर है। अब ये जो कैलकुलेटर है, क्या ये GUI आप खुद नहीं बना सकते? मतलब आपने मैटलैब में कहाँ तक काम किया है? मतलब GUI बनाना आपको आती है? नो मैम, अभी जैसे स्टार्टिंग हम नो कर मैम, रहे हैं प्रोग्राम्स सीखा तो बनाना। जनरेशन ऑफ सिग्नल्स। कैलकुलेटर है, अच्छा, हमने बनाया था, हम लोगों ने कंप्यूटर का कोर्स किया था ना, वहाँ पर हमने ये सीखा था। ये प्रोग्रामिंग में बन जाएगी, मसला नहीं है इसका। यस मैम, ये वहाँ विजुअल बेसिक पर मैम ट्राई किया था।
विजुअल बेसिक पे किया था, बाकी आप मैटलैब के ऊपर कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड के ऊपर कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके अंदर सिर्फ जो है वो आपको प्रोग्रामिंग करने की भी जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये नंबर उसमें से उठाए वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करे, या ये आपके जो है वो बटन्स उसमें यूज़ करने हैं या रेडियो बटन्स यूज़ करने हैं, तो आपको खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका लेआउट डिज़ाइन करना होता है। बाकी सिर्फ आप क्लिक के ऊपर रखते हैं कि अगर ये क्लिक हो रहा है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन बैकहेंड की सिर्फ आपकी प्रोग्रामिंग, जैसे मैं ये अगर मैंने प्लस का फंक्शन किया है तो ये एक फंक्शन हो गया ना, और उसके साथ फिर उसने वो नंबर्स उठाने और बैकहेंड पे आपने उनको सम करके जो भी आ रहा है रिजल्ट वो आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो ये जो सिमुलेटर्स होते हैं डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के हो गए या माइक्रो प्रोसेसर के हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको परचेज करने पड़े या आप नेट से डाउनलोड करें, ये भी आप जो है वो खुद से बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको इसकी बेसिक जो है वो नो हाउ हो, और यही आप एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी फैमिली के ऊपर आते हैं कि जब हम किसी फैमिली की बात करते हैं या तो उसमें एक होती है फीचर्स, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे अगर हम, मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं या किसी रीजन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे जिक्र करूँ अफ्रीकन कंट्रीज के पीपल के बारे में, तो सबसे पहला आपके जहन में क्या आता है कि उनके जो फीचर्स हैं उसमें क्या चीज़ प्रोमिनेंट होती है और क्या चीज़ कॉमन होती है जिससे आपको लगता है कि हाँ ये अफ्रीकन कंट्रीज के हैं या ये जापानीज कंट्रीज के हैं या ये कोई यूरोपियन कंट्री के हैं, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं? उनके कलर के हिसाब से अफ्रीकन ब्लैक हो गए, अफ्रीकन ब्लैक कलर, होंगे कॉम्प्लेक्शन हो गया और हेयर, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखें तो आपको ज्यादातर कर्ली हेयर नजर आते हैं लोगों के, ठीक यस मैम। है। और अगर आप जैसे हम चाइनीज या इस तरफ के लोगों की बात करें, तो उनमें आपको आईज जैसे ऐसे इलॉन्गेटेड ज्यादा होती हैं, लंबी ज्यादा होंगी, छोटी सी होंगी और पिंक पिंक कॉम्प्लेक्शन होगा, तो आप जो है वो इस तरह से पहचान रहे होते हैं। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, एशियन कंट्रीज आ गए या इंडो पाक रीजन आ गया, तो इसमें आपको कलर जो नजर आएगा जैसे सांवला कलर, ये इस तरह का जो है वो आपको ज्यादा नजर आएगा, तो आप इंडियन या पाकिस्तानी जो है वो पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये इन कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। कैसे पहचानते हैं? क्योंकि फीचर्स जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं। इसी तरीके से जब हम माइक्रो कंट्रोलर में एटमे कंपनी की बात करें, तो इनकी जो इन्होंने चार फैमिलीज रखी हैं, एक है क्लासिक एवीआर जो कि पुराने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स की आईसीज हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्लासिक। क्लासिक का लफ्ज वैसे भी ओल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये क्लासिक एवीआर की जो आईसीज हैं उसमें आपके पास एटमेल की 90S2313, ये इसका पार्ट नंबर है, लेकिन इसके अंदर आपको ये AT90S ये जरूर नजर आएगा, इसका मतलब है कि ये क्लासिक फैमिली की आईसीज हैं। दूसरी जो फैमिली है इसके फीचर्स हम देखते हैं, फीचर्स का मतलब है कि इसके अंदर मेमोरी कितनी होती है, इसके अंदर पिन्स कितने होते हैं, कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, वो आगे वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं। पहले चार नाम हम देख लें कि कौन कौन सी फैमिलीज हैं। फिर हमारे पास आती है मेगा फैमिली, तो उसकी जो आईसीज हैं उसके अंदर आपको ये एटमेल का 80 ये सब जगह पे नजर आ रहा है, बाकी आपको ये मेगा के लिए इनमें आपको ये मेगा का लफ्ज नजर आएगा, बाकी इसमें जो 8 नजर आ रहा है या 32 नजर आ रहा है या 128 या जो भी नंबर आपको मेगा के बाद नजर आ रहा है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि इसके अंदर जो रोम का साइज है, जो प्रोग्राम मेमोरी का साइज है वो कितना है, वो ये नंबर इंडिकेट कर रहा है। फिर टाइनी फैमिली है, टाइनी का लफ्ज ही जाहिर कर रहा है कि ये आईसीज जो है वो छोटी होंगी, इसलिए इसको जो है वो टाइनी कहा जाता है, और इनकी इनकी जो आईसीज के नंबर हैं या आईसीज का नाम है उसके अंदर आपको ये टाइनी का लफ्ज इसलिए मिल रहा है। फिर चौथी फैमिली है स्पेशल पर्पस, जो कि किसी खास मकसद के लिए है, उससे आप डेडिकेटेड तरह का काम करेंगे, जैसे ये वाली आईसी है 8090, इसमें भी 90 था, इसमें भी 90 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा आ रहा था और यहाँ पर वो जो डेडिकेटेड पर्पस है वो नजर आ रहा होगा, जैसे PWM है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ये इस काम को परफॉर्म करने की स्पेशल फंक्शन आईसी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर यूएसबी के अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं कि ये यूएसबी कंट्रोलर का काम करती है। तो इस तरीके से हमारे पास एटमेल कंपनी की चार फैमिलीज हैं, एक हो गई क्लासिक, दूसरी हो गई मेगा, तीसरी टाइनी और चौथी है स्पेशल पर्पज आईसी। अच्छा, अब अगर हम हर आईसी के डिफरेंट फीचर्स को देखें, तो ये हमारे पास इस फैमिली के
पार्ट नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको जो है वो हमने डोंट केयर करके लिख दिया कि एक्स 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 के आपको नजर आ रहा है कि ये 2313 है आईसी या 2323 है, कोई भी इसका नंबर हो सकता है। इन आईसीज के अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं या किस तरह की आपको चीज़ें नज़र आती हैं, यानी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस हैं वो किस तरह की हैं, कि इसके अंदर जो रोम लगी हुई है उसका साइज़ अगर आप देखें तो इसमें वेरिएशन नज़र आती है, 2 किलोबाइट मिल जाएगा या 4 किलोबाइट मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, ठीक है, या जो आपने अपना प्रोग्राम लिखा होता है वो जब मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है और आप उसको प्रोग्रामर के थ्रू भेज रहे होते हैं, यानी लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में आपने उसको प्रोग्राम करके उसको कंपाइल किया तो उसकी हेक्स फाइल बन गई, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि हेक्स फाइल बनने के बाद आप उसको रूट कर देते हैं टूवर्ड्स द प्रोग्रामर, तो ये आईसी के ऊपर बर्न हो जाएगा प्रोग्राम। ये 2 किलोबाइट्स या 4 किलोबाइट की आपको नजर आ रही है। जो डेटा मेमोरी है इसके अंदर, जिसके अंदर आपके टेम्पररी वेरिएबल्स आके स्टोर हो रहे होते हैं, जैसे आपने कोई टेम्परेचर या प्रेशर सेंसर लगाया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, तो उसकी जो वैल्यूज आ रही होंगी उन वेरिएबल्स के थ्रू या सेंसर्स के थ्रू वो जाके रैम के अंदर स्टोर होंगी, जिसको हम डेटा रैम कहते हैं। वो अमाउंट सिर्फ 128 बाइट्स है, 128 बाइट बहुत कम वैल्यू है, यानी आप बार बार उसके ऊपर फिर आपको ओवरराइट करवाना पड़ेगा कि आपने पिछली वैल्यूज जो है उसको फ्लश करवा दिया कि 128 बाइट्स हो चुकी हैं, तो अब नेक्स्ट 128 आके उसके ऊपर ओवरराइट हो जाए, क्योंकि आपके पास कोई और जो है वो ऑप्शन नहीं है कि इसका लिमिटेड अमाउंट लिमिटेड साइज मौजूद है। फिर आपके पास है डेटा ईप्रोम, तो इसका साइज कितना है, डेटा ईप्रोम का साइज है 128 बाइट्स, या फिर जो है वो जो आपको लास्ट वर्जन नजर आ रहा है उसके अंदर है 256 बाइट्स, राइट। तो ये भी आपके पास जो है वो ये बाइट्स में है, जबकि आपके पास जो कोड रोम है ये किलो बाइट्स में है, ठीक। पिंस के लिहाज से अगर हम देखें तो पहली जो आईसी है उसमें सिर्फ पिंस 15 है, पिंस ही सिर्फ 15 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत ही कम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस करवाने की कैपेबिलिटी मौजूद है, कि उसके पास पिंस ही कम है तो कनेक्ट ही आप कम चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर वो मैं LCD यूज़ करूँ 16 पिन वाली, तो उसकी तो पिंस ही 16 है, वो इसके साथ नहीं कनेक्ट हो सकती, तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पिंस है। अच्छा, एक जो डिबेट चली थी इसके ऊपर चैट में, कि किसी ने मुझसे पूछा था कि ADC से रिलेटेड कि अगर हमारे पास नहीं है कुछ उसके अंदर तो फिर कैसे होगा, तो ये देखें आप, ये उसकी जस्टिफिकेशन जो मैंने आंसर दिया था कि कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं ऐसे जिनके पास ADC मौजूद नहीं होता, तो फिर आपको एक्सटर्नल ADC की IC लगानी पड़ती है कि आपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी सेंसर से डेटा लिया और वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की अलग से भी ICs आती हैं, वो आप कनेक्ट करेंगे और फिर माइक्रो कंट्रोलर को जो डिजिटल डेटा वो जनरेट करेगा सेंसर की रीडिंग के अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड करेगा माइक्रो कंट्रोलर को। तो अब इस ये जो आपके पास दो ICs हैं इसी फैमिली की, इसके अंदर आप देखें ADC के आगे लिखा हुआ है 0। जैसे आपने Arduino का जो मैंने आपसे टेबल बनवाया था तो वहां पर हमने लिखा था ना एनालॉग पिंस कितने हैं और आपके पास जो है वो इनपुट आउटपुट, हालांकि जो आपके एनालॉग पिंस हैं या उनको एनालॉग चैनल्स कह लें या आप उनको ADC कह लें, क्योंकि आपने देखा था कि जो बोर्ड्स थे उसमें A0, A1 इस तरह से करके लिखा हुआ था, या इसको ADC0, ADC1 ऐसे करके लिखा जाता है कि टोटल कितने चैनल्स अवेलेबल हैं। सिंपल वर्ड्स में आप इनको कह लें कि आपके पास एनालॉग इनपुट पिंस कितनी मौजूद हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो दो ICs हैं शुरू की इसमें कोई ADC का पिन मौजूद ही नहीं है, यानी वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की उसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो लास्ट वाली IC है 4433, इसमें 6 पिन्स मौजूद हैं, यानी आप 6 एनालॉग सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लेट्स से कि कोई IC उठा के ले आए, हमने कहा क्लासिक IC है माइक्रो कंट्रोलर की और ये बहुत सस्ती सी मिल रही है, तो ये इतनी सस्ती मिल रही है आप उठा के लेकर आ गए। अब पता चला कि जब आप उसको उठा के लेके आ गए, सस्ती तो वो थी लेकिन ऐसे ही तो नहीं सस्ती थी, उसमें तो फीचर्स ही कम है। अब ना कोई आप उसके साथ सेंसर लगा सकते हैं, ना आपके पास जो डिजिटल पिंस हैं वो इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसमें आप देखें सिर्फ 3 पिन अवेलेबल हैं, सेकंड नंबर की जो IC है इसके अंदर सिर्फ 3 पिन अवेलेबल हैं, तो 3 पिन में क्या कनेक्ट हो सकता है, कंपोनेंट बताएं जिसमें 3 पिन होते हों, 3 हो या 2 हो, सिर्फ वही कंपोनेंट कनेक्ट हो सकते हैं, तो कैसे कंपोनेंट हैं जो आप इससे लगा सकते हैं। मैम LCD की स्क्रीन, LCD की स्क्रीन, LCD तो 16 पिन चाहिए होते हैं उसे, LCD की स्क्रीन 3 पिन से कैसे कनेक्ट करेंगे? I2C की लिक्विड स्मॉलेस्ट I2C वाली आप यूज करेंगे, लेकिन I2C
जो है ना वो सिंपल आईओ पिन्स को नहीं यूज करती, उसके डेडिकेटेड पिन होते हैं जिनके मैंने आपको उसे नाम बताए थे SDA और SCL, तो वो ये वाले पिन्स नहीं है। ये एक चैप्टर हमारा पूरा आएगा I2C कम्युनिकेशन का, लेकिन वो पिन्स जैसे सेपरेट होते हैं। SDA और SCL की पिन होती है जो सिंपल आईओ पिन से डिफरेंट होता है। तो तीन पिन वाले में अगर हम ये सोचें कि अच्छा LDR की दो पिन्स होती हैं वो लगा दें, लेकिन LDR आपको एनालॉग आउटपुट देता है, ये जो पिन्स हैं ये डिजिटल इनपुट आउटपुट की बात हो रही है। तो या तो आप तीन LEDs लगा सकते हैं या तीन स्विचेस लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लगा सकते हैं इसके साथ, जो तीन तीन पिन के अंदर आ जाएं कि आपको सिर्फ सिंगल सिंगल पिन के ऊपर वो कनेक्टिविटी देनी पड़ी, उससे ज़्यादा की चीज़ें आप नहीं लगा सकते। अच्छा, फिर अगर हम लास्ट वाली ऐसी देते हैं उसमें भी आपको मैक्सिमम नंबर भी जो मिल रहा है वो 20 पिन्स मिल रहा है, ठीक है, एनालॉग उसके अंदर पिन्स मौजूद हैं, साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा है, ई प्रॉम का 256 बाइट्स हैं या कोड रॉम का साइज़ जो है वो 4 किलो बाइट है, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से देखेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम इतना है जो 4 किलो बाइट में आ जाए, क्या हमें जो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो इतने हैं कि कम से कम कैलकुलेशन हमें करनी है तो ठीक है, हमारी डेटा रैम जो है वो कम इस्तेमाल हो रही है, इतनी ज़्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, देन वी कैन गो फॉर द चीपर वर्जन, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द न्यूअर सिस्टम्स, कि ये नए सिस्टम्स के लिए ये जो पुरानी ICs हैं क्लासिक वो सूटेबल नहीं है या रिकमेंडेड नहीं है, हम वही ICs यूज़ करें जो करंटली यूज़ हो रही हैं। तो ये पहली फैमिली थी। मेगा फैमिलीज में जो आपको ICs नज़र आती हैं ये आपको ज़्यादातर नज़र आती हैं Arduino के बोर्ड्स में, Atmega 8 की है, Atmega 16 है, 32 है, 64 है। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि कोड रॉम जो है वो कितनी अवेलेबल है, इनके दरमियान आप एक रिलेशनशिप जो है उसको नोट करें कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है 8, अगर यहाँ 8 लिखा हुआ है तो इसकी जो रॉम का साइज है वो भी क्या है, 8 किलो बाइट है, ठीक है। अगर 16 लिखा हुआ है तो 16 किलो बाइट की रॉम है। अब ये मैं इसलिए भी ज़रा इम्फेसिस के साथ नोट करवा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ हमारी कैलकुलेशंस होती हैं कि लेट्स से कि आपको माइक्रो कंट्रोलर की आईसी बता दी और आपसे कहा गया कि अब बताएं कि इसमें जब आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस क्या होगा और उसकी एंडिंग लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, तो अब वो कैसे पता करें। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है तो उसके अंदर बहुत सारे जो और बिल्ट इन ब्लॉक्स हैं उसके साथ साथ उसके अंदर रॉम भी मौजूद है, कोड रॉम भी मौजूद है जहाँ आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसका साइज कितना होता है वो आपको कह के नहीं बताया गया कि 8 किलो बाइट होता है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ छुपी हुई है, तो आपको हिंट खुद से मालूम होना चाहिए कि 8 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उसका साइज 8 किलो बाइट है, उसमें रॉम जो लगी हुई है इस माइक्रो कंट्रोलर की आईसी के अंदर, या अगर 16 लिखा हुआ है तो 16 किलो बाइट है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ये सेम केस नहीं है कि जितना नंबर लिखा हुआ है उतनी ही रॉम मौजूद होगी। जैसे कि अगर आप लास्ट वाली आईसी में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1280, लेकिन ये जीरो जो है वो काउंट नहीं हो रहा साइज के अंदर और वहां पर 128 किलोबाइट की जो मेमोरी है वो मौजूद है। तो अब ये कैसे आ रहा है, किसने डिसाइड किया, ये मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया है। इज इट सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी, ये 8 का क्या मतलब है, रेस्पबेरी पाई की कह रहे हैं मैम, रेस्पबेरी पाई की लेटेस्ट जो आईसीए मैम माइक्रो कंट्रोलर की, इसकी जो मेमोरी और मेमोरी कैपेसिटी जो अच्छी है मैम 8 मेगा से या मेगा इज द बेटर देन रेस्पबेरी पाई पाई जो है ना, इसमें रेस्पबेरी पाई में और आर्डिनो या 8 मेगा, अगर आर्डिनो कह लें तो मतलब 8 मेगा की ही आईसी उस पे लगी हुई है। रेस्पबेरी पाई में और 8 मेगा में एक डिफरेंस ये है कि रेस्पबेरी पाई जो है वो आपका प्रोसेसिंग साइड ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसके जो इनपुट आउटपुट फीचर्स है ना वो इतने स्ट्रांग नहीं है। चलें अगर आपको वो डिजिटल आईओ पिन्स दे देता है कि आपके पास पिन्स इतने मौजूद हैं, लेकिन रेस्पबेरी पाई का अगर आप मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें एनालॉग के जो फीचर्स हैं वो मौजूद नहीं होते, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। 8 मेगा फैमिली देखें काफ़ी बड़ी है, बड़ी का मतलब कि इसके अंदर काफ़ी सारी आईसीज हैं, ठीक। तो आप एक एक जिस आईसी को ले रहे हैं उसको पर्टिकुलरली कंपेयर करना पड़ेगा कि लेट से उसके अंदर मेमोरी कितनी है, उसकी कोड रॉम कितनी है, उसको कंपेयर करें इस वैल्यू से, उसमें क्या उसके अंदर रैम कितनी है उसको कंपेयर करें इस वैल्यू से,
और फिर वो आपका डिपेंड करेगा कि आप उससे काम क्या करवाना चाहते हैं। छोटी तो है, प्राइस भी कम है, लेकिन आपको उससे ह्यूज काम करवाना है तो पॉसिबल नहीं। अब ह्यूज को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट से कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको इमेज प्रोसेसिंग करवानी है, तो इमेज प्रोसेसिंग का मतलब साइज तो बढ़ गया ना। आप एक अपने मोबाइल से ही कोई तस्वीर लेते हैं तो वो आपके कैमरा पे डिपेंड कर रहा होता है ना कि आपका कैमरा 8 मेगापिक्सल का है या 64 मेगापिक्सल का है। जितने ज्यादा मेगापिक्सल का आपका कैमरा होगा तो जो मैम आपकी मेमोरी, आवाज कट रही है मैम, सबको आवाज ऐसे ही आ रही है या क्लियर इन्हीं को आ रही है खाली? सही है मैम, आवाज क्लियर सही है मैम, सही आ रही है, क्लियर है ठीक मैम, है, तो आपकी आवाज सही आ रही है, बिल्कुल जिसको सही नहीं आ क्लियर रही थी वो अपना देखे। तो ये है मैम, डिपेंड आपको करेगा, वॉइस कट रही है। ये किसने बोली बात, किसको नहीं आ रही सही? मैम सेम ही है, 06 कौन को आवाज जीरो नहीं आ सिक्स रही। को नहीं आ रही और बाकी क्लास को आ रही है सही? जीरो जी मैम, मैम, सिक्स यस का आप मैम, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, सिर्फ आपके साथ मसला है, बाकी किसी के साथ मसला नहीं है। ओके, अब हम बात ये कर रहे थे कि वो जो आपने देखा उसके अंदर के रेस्पबेरी पाई अगर हम यूज करते हैं तो आप उसके फीचर्स को कंपेयर करेंगे कि आपको काम क्या करना है। तो मैं ये मेगापिक्सल वाली जो एग्जांपल आपको दे रही थी कि कैमरा से आपने लिया, आपकी आपके मोबाइल कैमरा की रेजोल्यूशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि साइज फिर उसी लिहाज से उसका ज़्यादा होगा। इमेज फाइल्स जो आप देखते हैं जो आपकी ये फोटो गैलरीज के अंदर जाके सेव होती हैं, तो नॉर्मली आपको साइज वो क्या दिखा रहा होता है पिक्चर्स का? मैम वो तो पिक्चर की केबीज़ साइज दिखा रहा होता है, मीटर नॉर्मल होता किलोबाइट्स में है, एमबीज़ कितना? होता है मैम इसमें होते हैं मैम, वो तो डिपेंड करता है ना पिक्चर के हमने रिजोल्यूशन वगैरह क्या यूज़ किए, तो उस लिहाज से साइज भी पड़ता है, और मेगा पिक्सल है तो वो। अच्छा, आपके पास जो स्मार्टफोन है, जी ये कौन रिप्लाई कर रहा था, 57 ना, जी आपके मैम, पास जो स्मार्टफोन है उसमें जो कैमरा लगा हुआ है उसकी क्या रेजोल्यूशन है, कितने मेगापिक्सल का है वो? 8 मेगापिक्सल में। 8 मेगापिक्सल है। अब अपने कैमरा के लिहाज से बताओ कि जो पिक्चर्स आप लेते हो तो वो किस साइज में स्टोर होती है? एक कोई भी पिक्चर है उसका साइज कितना आता है? मैम मैंने इस तरह पार्टिकुलर नोटिस नहीं एमबीज में आता किया है? अभी होगा ना मोबाइल साथ में, उठाओ जी देखो मैम, कि किसी पिक्चर का मैम साइज कितना है एमबीज में उसका। आता है। ओके मैम मैं एमबीज चेक कर, में आ रहा होता है, हाँ एमबीज में आ रहा होता है। और आपने देखा होगा कि जब हम पिक्चर्स ले रहे होते हैं तो वो तकरीबन कोई पिक्चर आपकी जो है वो 2.4 MB या 1 MB इस तरह से आ रही होती यस है, मैम ऐसे ही आ वेरी रही। डिपेंड करता है कि आपका जो कैमरा है वो कौन सा लगा हुआ है उसके अंदर। बट पॉइंट ये है कि वो एक एक पिक्चर ही आपकी मेगा बाइट्स के अंदर आ रही होती है, और इसमें आप देख रहे हैं कि साइज कितना सिर्फ किलो बाइट्स के अंदर अवेलेबल है, तो वो फिर आपको कुछ ना कुछ करके उसको पिक्चर का जो साइज है वो कम करना पड़ रहा होता है, या इमेज को जो है वो जब हम व्हाट्सएप के ऊपर कोई वीडियो भेजते हैं या कोई हम पिक्चर भेजते हैं, ठीक है, तब आपने देखा है कि उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है? व्हाट्सएप के ऊपर जो पिक्चर भेजी और वो डाउनलोड होके आपके उसमें आ रही होती है उसका साइज कम आते हैं केबीज, ये केबीज में कैसे यस कन्वर्ट हो मैम, जाता है? क्योंकि कम्युनिकेशन बताएं, पिक्सल्स में फर्क आ जाता है जब हम हाँ ट्रांसफरिंग। हाँ में फर्क आता है क्योंकि आप उसका साइज जो है वो रिड्यूस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। क्वालिटी में फर्क पड़ने का मतलब कि आप उसकी रेजोल्यूशन जो है वो बैक एंड के ऊपर रिड्यूस हो रही होती है। बट ये होता क्यों है? क्योंकि जब आप इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो आप कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे होते हैं, यानी आपने वाईफाई यूज किया, या जो है वो आप अगर पेयर कर रहे हैं डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू कर रहे हैं, या जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका आपकी बैंडविथ यूज हो रही है ना, तो जितना लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आपका जो है वो डेटा ज्यादा जाएगा तो ये प्राइस कंज्यूम करता है कि कितना ज्यादा जो है वो डेटा, जब भी तो आपके पास डेटा रेट्स जो है वो डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, जैसे आप नेट के पैकेजेस करते हैं उसमें जितना ज्यादा डेटा रेट आप कह रहे होते हैं उतने ज्यादा फिर पैसे जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो इट्स नॉट फ्री। तो इसलिए जो है इस तरह की टेक्निक्स रखी जाती हैं कि उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस हद तक सिर्फ रिड्यूस किया जाए, उससे ज्यादा रिड्यूस ना किया जाए, लेकिन आपको पैसे भी बचाने हैं तो एक बीच में कि जितना एक्सेप्टेबल क्वालिटी हो उतनी की इसका साइज जो है वो रिड्यूस किया जाता है, अदरवाइज
आपका जो ये कम्युनिकेशन मीडियम इसके अंदर यूज हो रहा है उसकी आपको प्राइस पे करनी पड़ती है एनीवेज। तो अगर हमें इस तरह की कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम इमेज प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, लेट्स से कि मैं कहूँ कि डिपार्टमेंट के बाहर जो सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं उसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो कि स्टूडेंट का फेस ही देख के पता चल जाए कि बस ये कौन से बैच का स्टूडेंट है या ये अथेंटिक स्टूडेंट है या नहीं है, इस डिपार्टमेंट का एनरोल्ड स्टूडेंट है या नहीं है, तो कोई मतलब गार्ड हो ना हो, कोई खड़ा हुआ हो या ना हो, उसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन के थ्रू उनको एंट्रेंस मिल जाए। तो ये आप ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे बनाएंगे, मतलब फेस रिकॉग्निशन करवा के अगर आप इसको माइक्रो कंट्रोलर बेस करना चाह रहे हैं, एआई नहीं यूज कर रहे हैं, लैपटॉप के थ्रू इसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, आप माइक्रो कंट्रोलर अगर यूज करना चाह रहे हैं उसके अंदर विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर कैसे करेंगे? फिर आपके पास एक डेटाबेस होनी चाहिए ना सारे स्टूडेंट्स के, जैसे रोल नंबर्स आपने लिए हुए होते हैं, नाम लिए हुए होते हैं, इस तरह की एंट्रीज, ये टेक्सचुअल डेटा है, आपके पास उन सबकी पिक्चर्स मौजूद हैं, वो डेटाबेस मौजूद हो, और जो कैमरा अभी ले रहा है रियल टाइम में फीड तो उसको कंपेयर करें, तो ये तो ह्यूज डेटा सेट हो गया, तस्वीरें भी ज़्यादा हो गई, तो उनको कंपेयर करना, इसके लिए आपको ज़्यादा मेमोरी वाला या ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वाला माइक्रो कंट्रोलर चाहिए। तो रेस्पबेरी पाई के अंदर जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है वो जैसे ज़्यादा होती है, और जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं एटमेगा के उनके अंदर जो आपके पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती, लेकिन इसके पास जो है वो इनपुट आउटपुट या जो एनालॉग वाला फीचर है वो ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन कौन सी चूज़ करनी है, उस पर काम क्या करवाना है, कि आपका माइक्रो कंट्रोलर इमेजेस टाइप की इंफॉर्मेशन को डील कर लेगा या नहीं करेगा इन फीचर्स के साथ जिस फैमिली को वो बिलोंग करता है। जी मैम, जो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि ऐसीज हैं, लेकिन इसकी हाँ। तो इतनी रैम ही नहीं है जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जैसे लाइक फेस रिकॉग्निशन, तो इसमें तो टाइम बहुत हाँ। लगेगा, तो मतलब तो जैसे कि स्टूडेंट आ रहा है जी मैम, इसके लिए फिर आप माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं करेंगे ना, या फिर आप उसके साथ जो है, दूसरी बात ये कि जो डेटाबेस आपकी बनेगी वो रैम में नहीं बनती, डेटाबेस जो है वो आपके पास जो है आप उसको ईप्रॉम के अंदर भी बना सकते हैं, उसके साथ आप एक्सटर्नली एसडी कार्ड लगाएंगे, जो माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड्स होते हैं या ये जो आर्डिनो के बोर्ड्स होते हैं इसमें आपके पास डिफरेंट शील्ड्स आती हैं, शील्ड्स का मतलब जिसके अंदर लेट्स से कि आप लगा सकें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये आप देख रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड्स के साथ जैसे ये आर्डिनो का, इस पिक्चर की मैं बात कर लूं, शील्ड्स का मतलब होता है कि ये एक्सटेंशन एक तरह से जो आप इस आर्डिनो का जो बोर्ड है उसके साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उसके पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, जो आपने आर्डिनो का एक बोर्ड देखा था, तो एक ये शील्ड है, ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये पिंस निकली नहीं है, इसको आप लगाएंगे तो ये कीपैड वाला फीचर जो है ये आप इसके ऊपर लगा के वो परफॉर्म कर सकते हैं, या अगर आपने जो है वो स्विचेस लगाने हैं, ये वाले कीपैड नंबर नहीं यूज करने हैं, तो आप ये स्विचेस की शील्ड मिलती है आप उसको लगा के ये काम कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो ये आप देख रहे हैं एंटीना लगा हुआ है कि ज़िगबी की, इथरनेट की, इस तरह की शील्ड आती हैं जिसके थ्रू आप ये वाईफाई का काम जो है वो करवा सकते हैं कि आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ऐसी शील्ड्स आती हैं जिसके अंदर आप जो मेमोरी कार्ड है एसडी कार्ड वो लगा सकते हैं। एसडी कार्ड आपने देखा है मोबाइल के अंदर भी आप डलवाते हैं कि उसके अंदर आपने मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए वो डलवाया, तो वहाँ पर वेरियस टेक्निक्स मौजूद हैं जिसमें आप अपने माइक्रो कंट्रोलर का जो बोर्ड है उसके साथ ये शील्ड्स कनेक्ट करके पूरा का पूरा सिस्टम बना सकते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट द ओनली थिंग विच यू वुड बी यूजिंग इन मेकिंग एनी सिस्टम, उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको ऐसे काम करवाना है जिसमें आपको इमेज कैमरा मॉड्यूल्स भी आते हैं आर्डिनो के, वो कंपैटिबल होते हैं, रेस्पबेरी पाई के पाई कैम्स आते हैं, वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। अब मैं अगर जी मैम, बात आपकी सही है मैम, ये मुझे पता है, लेकिन हमने जहाँ पर कंप्यूटर पढ़ा था ना वहाँ पर एक ही बात पढ़ी थी कि रैम की जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो सारे मना कंप्यूटर में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को कंप्यूटर में होती है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपके पास रैम का इतना अमल दखल नहीं होता, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप लगा रहे होते हैं वहां आपकी प्रोसेसिंग के अंदर रैम बहुत कम रोल कर रही होती है, इसीलिए इन्होंने जो लॉन्च किया आईसीज उसके अंदर आपका रैम, क्योंकि आपको इसमें प्रोसेसिंग नहीं करवानी ना,
इसके अंदर आपको कंट्रोल ओरिएंटेड करवाना है, इसीलिए इसमें आपके पास रैम कम होती है। जी मैम जी। और अगर आपको प्रोसेसिंग ज्यादा करवानी है तो प्रोसेसिंग करवाने के लिए आप फिर रेस्पबेरी पाई की तरफ जाएंगे। ओके तो अब इसके अंदर आपको ये साइज नजर आया कि इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो साइज की मौजूद हैं। अब इसको अगर कंपेयर करें हम पिछली वाली फैमिली से, तो वहां तो कोड रॉम हमें कहाँ तक मिल रही थी, सिर्फ मैक्सिमम 4 किलोबाइट्स तक मिल रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉम का साइज शुरू हो रहा है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, 8 किलोबाइट से लेकर 128 तक आपको इसके डिफरेंट वेरिएंट्स नजर आ रहे हैं जो कि इस फैमिली को, मेगा फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, और इसमें आपके पास रोम का साइज जो है वो ज्यादा है। अगर हम रैम की बात करें तो पिछली वाली जो फैमिली हमने देखी उसमें सिर्फ 128 बाइट्स थी, तो रैम भी हमारे पास इसमें ज्यादा है कि एक तो वो किलोबाइट में आ गया और दूसरा वो 1 किलोबाइट से शुरू होके यहाँ पर 8 किलोबाइट तक की आपको रैम मिल रही है, ठीक। दूसरी बात, डेटा ईप्रॉम की अगर हम बात करें, जिसको हम पर्टिकुलरली जैसे मैसेजेस नहीं होते कि वेलकम का मैसेज डिस्प्ले करना है, या वो आपका परमानेंट फिक्स्ड है कि यही मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आप ईप्रॉम के अंदर लिखवा के रख सकते हैं कि सिर्फ वहां से आप उसको रीड कर लें स्क्रीन के ऊपर भेजने से पहले। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको रखनी है वो आप ईप्रॉम के अंदर रख सकते हैं, तो उसका भी साइज यहाँ पर आपको किलोबाइट्स में नजर आ रहा है। अगर 0.5 किलोबाइट है, 0.5 का किलोबाइट का क्या मतलब हुआ, कितनी बाइट्स होंगी? एक किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024। तो 0.5 का मतलब उसका आधा, तो कितनी बाइट्स होंगी? 512 बाइट्स होंगी। इसका मतलब है आपके पास यहाँ डेटा ईप्रॉम 512 बाइट से शुरू हो रही है, और यहाँ पर कितनी जा रही थी, यहाँ पे सिर्फ 128 तक मौजूद थी। तो इसके अंदर आपके पास ये, यानी मेगा फैमिली में ऑन द होल आप देख रहे हैं कि जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो साइज उनका ज्यादा है, चाहे वो कोड रॉम हो, चाहे वो डेटा रैम हो, चाहे वो ईप्रॉम की बात हो कि आपको ईप्रॉम भी 4 किलोबाइट तक मिल रही है, चाहे वो इनपुट आउटपुट पिंस की बात हो। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पिंस जो था क्लासिक फैमिली में वो 20 तक जा रहा था, और मिनिमम की भी ऑप्शन मौजूद थी कि वो 3 तक जा रहा है, लेकिन मेगा फैमिली में आप देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग नंबर ऑफ पिंस है वो स्टार्ट ही 23 से हो रहा है, और इवन 86 पिन तक की आपको आईसी मिल रही है। हमने जो मेगा की दूसरी कुछ यहाँ पे सारी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक ओवरऑल जनरल फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 2560 यहाँ पर नहीं है, जिसका मैंने आपको बोर्ड भी दिखाया था कि अगर वो आईसी वहाँ पे लगी हुई है आर्डिनो के बोर्ड में, तो आपने देखा था कि वहाँ पे 56 पिन्स अवेलेबल थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 86 पिन्स तक मौजूद हैं। ADC वहाँ पर हमने देखा था क्लासिक में कि अगर मैक्सिमम थे तो 6 थे चैनल्स, या थे ही नहीं। यहाँ पे आपके पास ज्यादातर में 8 चैनल्स मौजूद हैं, मतलब 8 एनालॉग क्वांटिटीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं, या 16 भी चैनल मौजूद हैं कि 16 डिफरेंट एनालॉग सेंसर्स यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद 1 IC, आपको कोई एक्सटर्नल ADC की जरूरत नहीं है। टाइमर्स में भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, 3 से लेकर 6 तक के टाइमर्स इसके अंदर मौजूद हैं। बाकी आपके पास वेरियस पैकेजिंग इसके अंदर मौजूद है कि पैकेजिंग आपको जो है वो अगर आप बोर्ड लेते हैं या आप इंडिविजुअल IC लेते हैं तो वो वेरियस के अंदर जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब ये हो गई मेगा फैमिली। मेगा फैमिली के अलावा फिर हमारे पास थी टाइनी फैमिली। तो टाइनी जो है वो टाइनी फैमिली किस तरीके से है कि इसमें आप देखें तो कोड रॉम का जो साइज है वो 1 किलोबाइट से 8 किलोबाइट है, मीडियम है। क्योंकि आप देखें अगर पिछली वाली जो फैमिली हमने देखी इसके अंदर 8 किलोबाइट से शुरू हो रहा था और 128 तक जा रहा था, या इससे पहले जो हमने क्लासिक देखी थी उसमें 2 किलोबाइट से 4 किलोबाइट तक था, तो यहाँ पे टाइनी के अंदर जो मेमोरी है रोम वो मीडियम है, इतनी ना इतनी ज्यादा है ना इतनी ज्यादा कम है, आपको 1 किलोबाइट से लेकर 8 किलोबाइट तक के वर्जन इसके अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखें इसमें पूरा जो नंबर लिखा हुआ है उतना नहीं है, इसमें 13 था तो इसमें 1 किलोबाइट की है, इसमें 25 था तो इसमें 2 किलोबाइट की है, इसमें 44 था तो 4 किलोबाइट है, 84 है तो 8 किलोबाइट है। इन सब में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, यानी अगर मैं आपको इसमें से कोई भी IC नंबर दे दूं जो कि टाइनी को बिलोंग कर रहा है, टाइनी फैमिली को बिलोंग कर रहा है,
तो उसमें से आप कोड मेमोरी का साइज कैसे निकालेंगे, इसमें क्या चीज कॉमन है? मैम स्टार्टिंग वाला नंबर, इसका जो फर्स्ट नंबर है, बिल्कुल जो फर्स्ट नंबर है वो बताएगा कि इसके अंदर जो रोम का साइज है वो कितना है। सिर्फ और सिर्फ जो इसका फर्स्ट नंबर है वो बता रहा है कि इसके अंदर जो रोम लगी हुई है वो कितने किलोबाइट्स की लगी हुई है। डेटा रैम इसमें आप देख रहे हैं कि ये 512 से ज्यादा जा ही नहीं रही, मतलब 0.5 से नहीं ज्यादा जा रही, तो ये इंटरमीडिएट कुछ वैल्यूज आ रही है हमारे पास जो हमने पिछली फैमिली पढ़ी थी। इसी तरीके से डेटा ईप्रोम है, उसमें ये वेरिएशंस हैं, इनपुट आउटपुट पिन ज्यादा नहीं है, टाइनी है, तो आपको नजर भी आ रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ आईओ पिन या तो 6 हैं या फिर 12 हैं। एडीसी के चैनल्स इसमें 4 या 8 हैं, टाइमर सिर्फ 1 या 2 मौजूद हैं। तो टाइनी फैमिली के अंदर आपको इंटरमीडिएट वैल्यूज मिलेंगी और नंबर ऑफ पिन काफी कम मिलेंगे इसके अंदर। स्पेशल पर्पज जो है उसमें आपको स्पेशल फंक्शन जो AVR माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उसमें आपको कैन नजर आ रहा है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, ये डेडिकेटेड पर्पस के लिए है। USB कंट्रोलर है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कंट्रोलर ICs हैं। तो इनकी जो स्पेशल कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी बेसिस पर इनका जो पार्ट नंबर है वो रखा गया है, उसके अंदर वही अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये इस तरह की जो ICs हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इनको हम फिर जनरल कामों के लिए यूज़ जो है वो नहीं कर रहा होता, या इसको आपको कंट्रोलर के फॉर्म के अंदर ये मिल रही होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 फैमिली है, लेकिन अब हम क्योंकि फोकस करते जा रहे हैं डेडिकेटेडली कि हमें जो फैमिली पढ़नी है या जो हम कंट्रोलर्स पढ़ेंगे क्लास के अंदर या जो बुक हम रेफर कर रहे हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली ये वाली जो फैमिली है मेगा फैमिली, और इसमें से पर्टिकुलर आपकी जो ICs यूज हो रही है वो हो रही है ATmega 16 एंड ATmega 32। ये हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सारे हम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अगर आप दूसरी फैमिली दूसरी ICs की तरफ जाते हैं। तो हमने ये वाली जो ICs है इसको डिस्कस करना है इन डिटेल कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके ब्लॉक्स क्या हैं, इसमें मेमोरी कितनी है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस कौन सी यूज करेंगे एंड सो ऑन, उसके थ्रू फिर हम प्रोग्राम बनाए। पैकेजेस की तरफ मैं नहीं आ रही। जी मैम, ये स्पेशल पर्पस फैमिली में 8 मेगा क्यों लिखा हुआ है लास्ट में जो है AVR? इन्होंने इसको इसमें प्लेस कर दिया, अभी मैन्युफैक्चरर की वो है कि इन्होंने इसको इसमें क्यों प्लेस किया है, हालांकि इसमें मेगा का लफ्ज आ रहा है ये क्योंकि LCD का कंट्रोलर होता है, ये इस ICs को यूज करके उन्होंने LCD का कंट्रोलर बनाया है, इसलिए इन्होंने स्पेशल पर्पस में रखा है, लेकिन मेगा वाली फैमिली मेगा वाली ICs को इन्होंने उठा के रख दिया है। तो अब ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर है कि क्यों उन्होंने कोई डेडिकेटेड ICs लॉन्च नहीं की और इस ICs को यूज किया हुआ है। अच्छा, पैकेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि पैकेजिंग कौन कौन सी होती है। अब ये थोड़ा सा नटशेल में है कि जो मैं आपको बता के आई हूँ पिछली फैमिलीज वाली स्लाइड के ऊपर कि जो मेगा वाली है उसके अंदर आपको यहाँ से पता चलेगा लास्ट नंबर जो है कि उसमें कितनी कोड मेमोरी है, कि उसके अंदर प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं प्रोग्राम मेमोरी कितना साइज है। टाइनी के अंदर सिर्फ जो पहला लेटर है पहला नंबर है उससे पता चलेगा कि उसके अंदर मेमोरी का साइज जो है वो क्या है। फ्लैश मेमोरी हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिकली बर्न कर रहे होते हैं, जो आपकी कोड मेमोरी है ना उसके अंदर आप इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम को बर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, जो आपके पास ये 90S वाली क्लासिक ग्रुप है उसके अंदर पार्ट नंबर में से भी जो आपको मिल रहा है वो फर्स्ट नंबर बता रहा है कि उसके अंदर साइज कितना है। अच्छा, अब अगर हमें कंपेयर करना हो डिफरेंट कंपनीज के लिहाज से कि ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, तो उसमें जैसे ये बीच में रेस्पबेरी पाई का किसी ने पूछा था, इसी तरीके से अगर आपको पिक माइक्रो कंट्रोलर में से या इंटेल कंपनी में से और ATmega में से चूज करना हो तो आप उससे मिलती जुलती ICs को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि जैसे ATmega 32 है तो उससे कंपेयरेबल आपके पास इंटेल की 8052 है। 8051 को आप नहीं लेंगे कि वो बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर है, आप उसका इस जैसा ही वर्जन लेंगे जो जिसके अंदर इससे मिलते जुलते फीचर्स हों। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 8052 बेहतर है या ATmega 32 बेहतर है, ये इंटेल की है ये ATmega की है या पिक की कोई ऐसी जो है वो बेहतर है 18 सीरीज की, तो इसमें आप अगर देखें मुझे मेरा प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा है, मुझे ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, तो फिर मुझे 8052 सूटेबल रहेगी
या मुझे एटमेगा या पिक की कंट्रोलर की आईसी सुटेबल रहेगी? मैम एटमेगा की, एटमेगा की या पिक की, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी साइज है वो 32 किलोबाइट है बनिस्बत 8 किलोबाइट के। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये हो कि मेरा प्रोग्राम जो है वो छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और मुझे जो वेरिएबल्स उसके अंदर रिक्वायर्ड है वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैं कौन सी ऐसी चूज कर सकती हूँ? 8052। फिर 8052 जो है वो यूज़ हो सकती है। तो आप इस तरह से जो है वो डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर करते हैं, इनपुट आउटपुट पिन आपकी रिक्वायरमेंट में आ रहे हैं, 32 पिन हैं या 35 पिन हैं कि नहीं, आपके लिए 3 पिन भी मायने रखते हैं, आपको इजाफी यूज़ करने हैं, तो फिर आप पिक माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाएंगे। है वही 40 पिन की आईसी, तीनों की तीनों आईसी 40 पिन की हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आपको नज़र आ रही हैं साइज़ के अंदर भी, और जो उसकी इनपुट और आउटपुट पिन हैं उनके अंदर भी आपको वेरिएशन नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से हम कंपेयर कर रहे होते हैं। अब जब हम माइक्रो कंट्रोलर की ऑन चिप रोम की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ना कहा ना कि आपको आईसी का नंबर दिया हुआ होगा, तो आप कैसे निकालें कि इसका साइज कितना है? टाइनी अगर है तो टाइनी में आपको मैंने क्या पहचान बताई थी कि जो फर्स्ट नंबर है वो बताता है कि कोड रोम का साइज कितना है। यहाँ से हमें पता चला 2 किलोबाइट है। अब एक मसला है यहाँ पर कि नॉर्मली जो हमने देखा था कि जो रोम की ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे माइक्रोप्रोसेसर में या सिक्वेंशियल, जो भी आपने इससे पहले रैम को डिस्कस किया या मेमोरीज को डिस्कस किया, वो हम क्या कर रहे होते थे, एड्रेस और कंटेंट्स की फील बना रहे होते थे। ठीक है, इससे पहले हम एड्रेस और कंटेंट्स की फील बना रहे होते थे। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाइट 2 की ऑर्गेनाइजेशन होती है। बाइट 2 की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जो हर रो है, हर एड्रेस है, एक ही एड्रेस है, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो है वो 2 बाइट्स को स्टोर करने की है, कॉन्ट्ररी टू द माइक्रोप्रोसेसर जिसके साथ हम रैम की या रोम की आईसी लगा रहे होते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि आपके पास एक रो के अंदर विजुअलाइज अगर हम उसे करें तो उसके अंदर आपके पास जो है वो एक रो के अंदर एक ही कॉलम आ रहा होता था। यहाँ पर एक कॉलम आने का मतलब क्या है, उसमें 8 बिट्स स्टोर हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या है, ये बाय 2 की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास कैपेसिटी जो कैपेसिटी है वो कौन सी है कि हर रो के अंदर आपके पास 16 बिट्स स्टोर हो सकती हैं, यानी कि आपके पास 2 जो बाइट्स हैं वो स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, अब 2 बाइट्स स्टोर होने का मतलब इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर होगी, इधर हायर ऑर्डर बाइट, सेकंड बाइट का मतलब है हायर ऑर्डर बाइट स्टोर होगी। ठीक है, अब जो पहली लोकेशन है उस पर 2-2 बाइट्स आ गई, जो दूसरी लोकेशन है उस पर 2-2 बाइट्स आ गई, तो डेटा इस तरीके से स्टोर होगा। अगर मेरे पास जो आईसी है लेट्स से वो है 2 किलोबाइट की, यहाँ से हमने देखा कि ये जो आपको पार्ट नंबर नज़र आ रहे हैं इसमें 80 टाइनी जो है इसकी जो मेमोरी है वो कितनी बाइट्स की है, 2 किलोबाइट की। ठीक है, अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं जो आप पहले से करते आए हैं कि आपके पास लेट्स से 1 किलोबाइट की कोई आईसी है, तो 1 किलोबाइट का मतलब उसमें 1024 लोकेशंस होंगी। ठीक है, ये 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के इक्विवेलेंट है। इसमें से हमने पहले सीखा था ना कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम एड्रेस हम कैसे निकालते हैं। मिनिमम एड्रेस ऑब्वियसली 00 होगा। मैक्सिमम एड्रेस के लिए हम क्या करते थे कि जितनी इसको नंबर ऑफ लाइंस चाहिए उनके ऊपर हम 1 रख देते थे। तो 1 किलोबाइट या 1024 बाइट्स के लिहाज से हमें कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, 2 की पावर n से हम निकालते थे, तो कितने n इसमें किसके इक्विवेलेंट होगा, 10 के में, 10 के इक्वल होगा। तो 10 लाइंस पे अगर मैं 1 रखूं तो हेक्साडेसिमल क्या बनेगा, एक f के अंदर 4 1 आएंगे, दूसरे f के अंदर 4 1 आए, इसका मतलब है 8 1 तो ऐसे आ गए। ठीक है, और हमें जो है वो क्या बनाना है, 7 का मतलब मुझे तो 10 बिट्स चाहिए, तो 10 बिट्स के लिहाज से मेरा जो मेरी जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या बनेगी 10 बिट्स के लिहाज से? मैम 3 बटा f आ जाएगा।
नहीं, तीन मरतबा एफ का तो मतलब आपके पास 12 वन हो गए। हमें कितने वन रखने हैं, एन कितनी बनेगी 1 किलोबाइट के लिहाज से? 10 बनाई थी ना हमने। हाँ, तो 10 लाइंस पे अगर हम 1 रखेंगे तो हेक्साडेसिमल क्या बनेगा? 3FF हो जाएगा। 3FF हो जाएगा। 3FF होने का मतलब ये है कि आपने जो बची हुई दो लाइंस हैं उनके ऊपर अगर आप 1 रखें तो ये क्या जीरो आ जाएंगे, मींस 4 का ग्रुप बनाना है ना हमें। बिल्कुल, तो 0011 हो जाएगा। 0011 का मतलब क्या हो गया कि ये 3FF के इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये 3, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ कि मैं किधर इनेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 3FF जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसके लिहाज से? 1 किलोबाइट के लिहाज से। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 00 से लेकर अगर मैं 1 किलोबाइट की बात कर रही हूँ तो ये आपके पास जो है वो हम ऐसे पढ़ते थे कि ये इसका जो मैक्सिमम एड्रेस है वो 3FF होगा। लेकिन इससे पहले हम ये बात करते आए थे कि हर एड्रेस के ऊपर, यानी हर एड्रेस के ऊपर एक ही बाइट स्टोर हो रही है। अब अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर की बात करूं तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बाइट वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसमें हर एड्रेस के ऊपर 2 बाइट्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है। 2 बाइट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल 16 जो बिट्स हैं वो स्टोर हो सकती हैं। और ये जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी थी उसका मतलब ये था कि हर एक सिंगल एड्रेस के ऊपर सिर्फ 8 बिट्स हैं जो कि स्टोर हो सकती थी। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास जो है मेमोरी 3FF बनी 1024 बाइट्स के लिहाज से, ठीक है, अब मैं 2 किलोबाइट्स के लिहाज से बात करूं तो अगर आपके 2 किलोबाइट्स की जो रॉम की चिप है और अगर मैं उसकी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो 2 किलोबाइट इस वाले लेआउट के साथ, ठीक है, जिसमें आपके हर लोकेशन पर सिर्फ 8 बिट्स स्टोर हो सकती हैं, तो मैक्सिमम एड्रेस कहाँ तक जाएगा 2 किलोबाइट के लिहाज से? M2FF 2 किलोबाइट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास k की हो गई 2 raised to 10 और एक 2 अलग, तो यानी 11 लाइंस चाहिए। yes, तो जब 11 लाइंस चाहिए तो उसका मतलब है f के अंदर 4 आ गई, दूसरे f के अंदर 4, 4 और 4 कितने हो गए 8। ठीक है, हमें और मजीद कितने 1 चाहिए 11 बनाने के लिए? मैम 3 और चाहिए 7FF जवाब। तो 3 का मतलब 7 हो गया। तो अगर मुझे 2 किलोबाइट की मेमोरी के लिहाज से मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस निकालना होगा तो मेरा जो मैक्सिमम एड्रेस है वो क्या जाएगा? 7FF जाएगा। इन केस अगर मेरे पास मेमोरी की जो कैपेसिटी हो वो 8 बिट की हो तो, ठीक है, तो इसलिए लेट्स से कि मैं इसको यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ कि ये जो बना हुआ है ये बेसिकली इस 2 किलोबाइट के लिहाज से बना हुआ है कि अगर आपके पास बाय 1 की ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी हर लोकेशन पर एक बाइट आने की ऑर्गेनाइजेशन हो, तो फिर आपके पास इस तरह का मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अच्छा, अब 2 किलोबाइट जब आपके पास मेमोरी है माइक्रो कंट्रोलर में, तो माइक्रो कंट्रोलर के पास तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ये कि उसमें तो 2 बाइट्स आ जाती हैं, तो फिर क्या उसमें भी एड्रेस 7FF तक जाएंगे या उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई के बजाय? जी नो मैम, ऐसा नहीं होगा। वो ये तो उसका क्या रिलेशन होगा? क्या हमारे पास ये जो एड्रेसेस हैं जो इसमें ज्यादा चाहिए थे, क्योंकि ये आपके पास सिंगल सिंगल आ रहे थे ना, ये सिंगल सिंगल में आपको पूरे एड्रेसेस लेके जाने पड़ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बजाय 1 बाइट के यहाँ पर आपके पास 2 बाइट्स स्टोर हो रही है, तो एड्रेसेस को क्या हो जाना चाहिए बजाय यहाँ पे ये ग्रो करने के? आपकी सेकेंड बाइट इधर आ गई है, फर्स्ट बाइट के साथ इस तरफ आ गई है, तो ये एड्रेसेस आपके श्रिंक हो जाने चाहिए या बढ़ जाने चाहिए? कोई इफेक्ट पड़ेगा कि लोकेशंस आपको कितनी चाहिए होंगी पहले की बनस्बत? कम चाहिए होंगी। ठीक है, कम कितनी कम? जब हम यहाँ पे
दो पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे कम होगी, कितनी हो जाएंगी? हाफ वन हो जाएगी. ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ कि जब हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी को हम डिस्कस करते हैं और इसकी जो मेमोरी है उसका साइज होता है बाय टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसका लेआउट ऐसा है कि हर लोकेशन पे ये दो बाइट्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, 16 बिट्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है. तो पहला स्टेप हमारा ये बना, जब भी हमें उसके मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेसेस फाइंड आउट करने, कि पहला स्टेप हमारा ये बना कि जो भी हमें साइज गिवन है माइक्रोकंट्रोलर की आईसी में, यहाँ से सबसे पहले हमने एक्सपेक्ट किया कि हम कौन सी फैमिली की कौन सी आईसी यूज कर रहे हैं. अगर टाइनी फैमिली है तो उसमें से सिर्फ हमें पहला नंबर उठाना है, ये हमने डिटरमाइन कर लिया. इसका मतलब है उसमें जो कोड रॉम है वो कितने बाइट्स की है, 2 किलोबाइट की है. ठीक, 2 किलोबाइट का मतलब ये हुआ क्योंकि माइक्रोकंट्रोलर है, तो माइक्रोकंट्रोलर होने का मतलब हम इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है वो नहीं जा रहे. नॉर्मल हम किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम माइक्रो कंट्रोलर में बाय टू की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें साइज दिया हुआ होगा हम उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे. इस वक्त मैं कौन से माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रही हूँ, 80 Tiny 25, जिसमें 2 किलोबाइट का साइज दिया हुआ था. तो 2 किलोबाइट को अगर मैं हाफ करूँ, इस 2 किलोबाइट को अगर मैं हाफ करूँ तो मेरे पास कितनी रह जाएंगी लोकेशन बजाय 2048 के. Come on, this is already written in front of you. You can just pick the answer from. आधी रह जाएगी. अभी आपने खुद ही बताया ना कि हमें आधा करना चाहिए. तो 2 किलोबाइट का आधा क्या होगा, 1 किलोबाइट हो जाएगा. Are you getting this point or not? Yes, ma'am. तो 2 किलोबाइट का जो हाफ हुआ वो 1 किलोबाइट हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि जो एड्रेसेस हैं वो बजाय 2048 तक जाने के 1024 तक जाएंगे, क्योंकि हर लोकेशन पे दो दो बाइट्स आ रही हैं. तो जो हमें मैक्सिमम एड्रेस निकालना होगा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, वो हम हाफ करके निकालेंगे. 1 किलोबाइट के लिहाज से हमें पता है कि 1 किलोबाइट 2 raised to 10 के इक्वलेंट होता है, और 2 raised to 10 का मतलब ये है कि आपको 10 लाइन्स के ऊपर 1 रखना है. 10 लाइन से 1 रखने का मतलब एफ और एफ में 8 आ गई, 3 के अंदर 2 और आ गई, तो 8 और 2 10 हो गए. इस तरीके से जो इसका मैक्सिमम एड्रेस है वो बनेगा 3FFF. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको माइक्रो कंट्रोलर का अगर आपको नंबर दिया हुआ है, आईसी नंबर दिया हुआ है, तो उससे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस क्या है. इसकी एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाई कि इसमें से पहचानेंगे कि टाइनी फैमिली है तो इसका सिर्फ एक पहला नंबर आएगा, यानी ये 2 किलोबाइट की हुई. पहला स्टेप क्या हुआ, आपने क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर की बात हो रही है तो उसको हाफ कर देना है, जितना भी मेमोरी साइज निकलेगा यहाँ पर उसको हाफ कर देना है. 2 किलोबाइट के लिहाज से हमने हाफ किया, वो बना 1 किलोबाइट. ये हो गया दूसरा स्टेप. पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना कि मेमोरी का साइज क्या है, वो निकाला 2 किलोबाइट. दूसरा स्टेप क्या है, क्योंकि बाय 2 की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको हाफ कर देना, तो आपके पास आ गया 1 किलोबाइट. 1 किलोबाइट के लिहाज से जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस की रेंज बनेगी वो ये बनेगी, जो मैंने अभी आपको सामने कैलकुलेट करके बताई कि हर लोकेशन के ऊपर उसमें 2 बाइट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, इससे ये हाफ हो गया. और हाफ के लिहाज से ये जो 3FFF निकला है वो किसके लिहाज से निकला है, ये 1 किलोबाइट के लिहाज से निकला है. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको 8MEGA8 की कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा. मैम साइज मेमोरी, मैम तो साइज 8 के लिहाज से उसका कितना होगा, क्योंकि मेगा फैमिली है तो ये 8 किलोबाइट होगा. अगर 32 होता तो ये पूरा का पूरा होता कि 32 किलोबाइट. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे मैम, उसका हाफ करेंगे मींस हो जाएगा. हाफ कितना हो जाएगा 8 किलोबाइट का, 4 मैम, 4 किलोबाइट. 4 किलोबाइट के लिहाज से n कितने चाहिए, लाइंस कितनी चाहिए, किलोबाइट की कितनी लाइंस होती है, 2 की पावर 12 लाइन टोटल हो मैम, 12 किलोबाइट की हो गई 10, और आपके पास 4 था, 4 का मतलब है 2 स्क्वायर यानी 2 raised to 2, तो ये 10 और 2 हो गई 12, 12 लाइंस चाहिए.
जब आप 12 लाइंस के ऊपर 1 रखेंगे तो आपको मैक्सिमम रेंज क्या मिलेगी? ट्रिपल एफ में, ट्रिपल एफ मिलेगी. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम एड्रेस फॉर द रॉम दैट इज अवेलेबल, एंड यू कैन गेट इट, गेट द आइडिया दैट हाउ मच रॉम इज अवेलेबल ऑन आईसी फ्रॉम द पार्ट नंबर. उसके पार्ट नंबर से ही पता चल जाएगा. ओके, मैं यहाँ पे क्लास को जो है वो एंड कर रही हूँ. इसमें से बाकी जो है उसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पूरे टेबल को वेरीफाई कीजिएगा कि ये एड्रेस रेंज आपके पास, इसके आंसर मतलब एक तरह से आपके पास सामने मौजूद है, लेकिन आप खुद से कैलकुलेट करके वेरीफाई करें कि आपको वही एड्रेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको 2 के अंदर ये करवाया है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. आई होप अटेंडेंस आपने कर ली होगी. यस मैम. यस मैम. मैं बस ये लिस्ट